नमस्कार, मैं हूं गुलविश और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आपकी कुंडली में। सही नजरिया जिंदगी को सही तरह से जीने का तरीका है। सही नजरिया रखना भी आसान नहीं होता। जिंदगी के उतार चढ़ाव हमेशा सही सोच रखना भी इस सब में आसान नहीं है। और आपको बस याद रखना है कि समय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो गुजर ही जाता है और सब ठीक हो ही जाता है। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे साथ मौजूद हैं देव शंकर शास्त्री जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। तो आचार्य जी, हम राशिवार तरीके से जानेंगे कि आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा सभी जातकों के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे आपके ग्रह बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, किचन में अगर आप कुछ करें ऐसा तो आपके ग्रह बिगड़ जाएंगे और जो बीमारियां हैं वो अपनी चपेट में आपको ले लेंगी। तो आचार्य जी, सबसे पहले बताइए किचन में किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, है बहुत छोटी सी बातें और उसको थोड़ा सा अगर समझ करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा जीवन के अंदर में, घर के अंदर में, परिवार के अंदर में मिलता रहता है। जैसे कि आपने कहा किचन के अंदर में क्या चीज़ का क्या व्यवधान होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे माता बहन जो भी किचन के अंदर में जैसे कोई भी सामान या कोई भी वस्तु इकट्ठा रख देते हैं, और इकट्ठे करके रखने से क्या होता है, किसी चीज़ का प्रभाव निगेटिव मिलने लगता है। तो निगेटिव प्रभाव मिलने से क्या होता है, उसका उनके परिवार के अंदर में बहुत तरह के उतराव चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जैसे कि अगर हल्दी की डब्बी है, हल्दी पिसी हुई डब्बी, और उसके साथ में नमक का डब्बा है, तो दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए किचन में। कभी भी भूल करके भी हल्दी और नमक का डब्बा एक साथ नहीं रखना चाहिए, जिससे कि गुरु कमज़ोर होता है और परिवार में बहुत तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती है। और अगर आप हल्दी के डब्बे को अलग रखते हैं, नमक के डब्बे को अलग रखते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा बना रहता है। हल्दी के डब्बी और नमक के डब्बे को रखने से एक साथ मान लीजिए गुरु बहुत कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, आमदनी का स्रोत बहुत सुंदर बना रहता है, लेकिन हल्दी नमक या चीनी ऐसी चीज़ अगर इकट्ठे रख दी जाए तो उससे क्या होता है, चंद्रमा भी कमज़ोर हो जाता है, गुरु भी कमज़ोर हो जाता है, और जो बरकत का जो एक दिखना चाहिए, जो एक बरकत दिखना चाहिए, उसमें कमी आने लगती है। तो इसलिए कभी भी किचन के अंदर में नमक का डब्बा और हल्दी पिसी हुई जो डब्बी है वो एक साथ नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी उठानी पड़े। अगर आप अलग अलग रखते हो तो आपके जीवन में गुरु भी और ग्रहों का भी प्रभाव अच्छा रहेगा, खान पान भी बहुत अच्छा रहेगा, और भोजन इत्यादि भी बहुत अच्छे से आपको प्राप्ति होगी और आरोग्यता भी बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, छोटी सी चीज़ है लेकिन कितना इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पर डाल सकती है। चलिए आचार्य जी, राशिवार तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले मेष राशि, इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों के 11 मार्च से 17 मार्च तक मंगल उच्च का होने से बिगड़े हुए काम बनेंगे, नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलने की योग है, आमदनी का जो साधन अच्छा बना हुआ है, और कोई नया काम भी इस सप्ताह आप शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इस सप्ताह में अगर आप और भी मजबूत करना चाहते हैं अपने आप को, तो बजरंग बली पे बेसन के लड्डू चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह आप कैसा देख रहे हैं? वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस राशि वालों के लिए 11 मार्च से 17 मार्च तक का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, बढ़ चढ़ कर के आमदनी होगी, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी। अगर आप
कोई काम नए करना चाहते हैं तो उसमें भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और निश्चित तौर पे जो है सो वृषभ राशि वाले को इस तरह के काम करने से बहुत अच्छा ये सप्ताह मिलने वाला है। अगर आपका कोई रुका हुआ काम है तो वो भी ये सप्ताह में पूरा होगा। और अगर कोई वैवाहिक बाधाएं आ रही हो तो रुके हुए विवाह भी इस सप्ताह में बनने वाले हैं, रिश्ते बनने वाले हैं। अगर कोई उपाय आप करना चाहते हैं और भी इस सप्ताह में अपने राशि को मजबूत करना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो दूध, दही, घी, कपूर आदि का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो हम आपको तरीका भी बता रहे हैं अगर कोई समस्या है तो उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। आचार्य जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली राशि की तरफ रुख करेंगे, मिथुन राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह क्या संदेश लेकर आया है। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि विदेश यात्रा का योग बनता दिख रहा है और जीवन साथी और परिवार के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में बहुत सुंदर मधुर बना हुआ है। फिर भी अगर आप कोई उपाय करते हैं तो मूंग की दाल को भिगो करके कबूतर को खिलाएं, आपको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं कि तरीका क्या है, किस तरीके से आप उपाय भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अग्री जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह क्या संदेश लेकर आया है आचार्य जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। कर्क राशि वालों के लिए 11 मार्च से 17 मार्च तक का समय थोड़ा मध्यम बना हुआ है। अगर कोई भी सरकारी काम करें तो सावधानी से करें। अगर शेयर बाजार में भी शेयर बाजार से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें भी सावधानी से करें और सावधानी बरतें ज़्यादातर ये सप्ताह, कारण थोड़ा हफ्ता मध्यम बना हुआ है। फिर भी मैं कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो अगर आप भगवान सूर्य देव की पूजा पाठ करें और सूर्य देव पे जल अर्पित करें तो आपके ये सप्ताह में जो ग्रह वीक है वो मजबूत हो जाएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए पूजा पाठ के साथ साथ दान देना या परिंदे को खिलाना, ये सब बहुत अच्छा होता है, कई चीज़ों में आपको मदद मिलती है। जी जी, बहुत अच्छी बात। दान देने से या किसी भी वस्तु को दान देने से या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य करने से, कभी कोई ग्रह गुलबिस जी अगर किसी को वीक रहता है, कमजोर रहता है, तो उस परिस्थिति में उनको लाभ मिलने लगता है। देवताओं को हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से, सनातन धर्म में है जो पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के उत्साह आता है, बहुत तरह की तरक्की आना शुरू हो जाती है। चलिए आचार्य जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि, क्या इस बार उनके बिगड़े हुए काम बन पाएंगे। जी, मैं सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, इस हफ्ते आपको कड़ी मेहनत करनी होगी तभी बात बनेगी आपकी। अगर बात कोई फैसले लेने की है तो वो भी किसी भी बड़ी चीज़ से, तो किसी भी संबंधित चीज़ से, तो बड़े सावधानी से आप उस फैसले को लें। और इस हफ्ते आपको अपने परिवार से, अपने पत्नी से बातचीत करनी होगी और करके जीवन साथी से अगर आप फैसला लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ज़रूरी फैसला इस सप्ताह नहीं लें, अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा मध्यम है, कठिनाई उठानी पड़ सकती है। फिर भी अगर सिंह राशि वाले, अगर ये सप्ताह अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, गाय को अगर आप गुड़ खिलाएं तो अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर है कन्या राशि के जातकों के लिए, तो उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। अगर कुछ काम रुके हुए हैं तो क्या इस हफ्ते बन पाएंगे। जी 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 जी, मैं कन्या राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, अगर कुछ काम रुका हुआ है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके जीवन में धन का लाभ का योग बन रहा है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, विदेश से संबंधित काम में भी लाभ मिलेगा,
तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत शुभ संदेश लेकर के आया है। अगर कोई रुका हुआ काम है तो बहुत जल्दी आपका बनेगा, बस आप सही वक्त पर सही काम करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो गाय को पालक खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये सप्ताह और मजबूत होगा। बिल्कुल, तो गाय को पालक खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा, सही वक्त पर सही काम करने हैं। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये सप्ताह क्या पैगाम लाया है? जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तुला राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा, ये सप्ताह आपके लिए बहुत वेरी गुड समय है। शुरू से ही ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य धंधों में, कार्य व्यवसाय के साथ व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अच्छा फल मिलेगा। मंगल और बृहस्पति के प्रभाव से उन्नति का योग है, यात्रा के योग बनने के आसार बन रहा है और जीवन में तरक्की मिलेगी आपको। अगर फिर भी कोई उपाय करते हैं इस सप्ताह आप, तो मैं विशेष तौर पे तुला राशि वाले के लिए कहना चाहूँगा, मैले कपड़े नहीं पहने, इत्र का प्रयोग करें। इत्र का प्रयोग करने से तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपने आचार्य जी इत्र का इस्तेमाल करने को बोला है, तो क्या खुशबू लगाने से, इत्र लगाने से कोई ऐसा ग्रह है जो सही होता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल सही बात है। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र सुगंधित चीज़ों पे विशेष तौर पे मजबूत होता है। तो अगर मान लीजिए साफ सही सुथरा कपड़ा पहनते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई सुगंधित इत्र है, जैसे अगर आप वो लगाते हैं, तो शुक्र आपका मजबूत होगा, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत तरह की तरक्की मिलेगी। जी बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कितना प्रभाव इसका पड़ सकता है आपके जीवन पर, यही छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, वृश्चिक राशि, इनके जातकों के लिए ये सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा, क्या बताएंगे आप? जी जी, मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कहना चाहूँगा, जो ये सप्ताह थोड़ा मध्यम रहेगा, कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है आपको, और अपने वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके चलें। ऐसा कोई शब्द ना बोले जिससे कि परिवार के अंदर में कोई दुविधाजनक बात उत्पन्न हो या कोई समस्या खड़ी हो, लेकिन फिर भी आप अपने मन को स्थिर करके और मेहनत ज़्यादा करके अगर आप इस सप्ताह सफलता पाना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं। लेकिन अगर ये भी मैं कहना चाहूँगा वृश्चिक राशि वालों को, जो ये सप्ताह आपके लिए ये थोड़ा मध्यम जरूर रहा है, लेकिन अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति को कुछ वस्तु का दान करते हैं, खाने पीने की वस्तु को दान करते हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए अच्छा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, तो हम सारे तरीके आपको बता रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, धनु राशि का नंबर है, उनके जातकों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? ये सप्ताह आपके लिए कड़ी मेहनत का संदेश लेकर के आया है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आय में बढ़ोतरी, आमदनी बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय में सुधार रहेगा, अधूरे काम भी आपके पूरे होंगे। और इस सप्ताह अपने आप को और मजबूत करना आप चाहते हैं धनुराशि वाले, तो भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार अगर आप उनका जाप करते हैं, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, तो धनु राशि के स्वामी गुरु है, आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, उनके लिए क्या कहेंगे आप आचार्य जी? जी, मैं कहना चाहूँगा मकर राशि वालों के लिए, आपको 11 मार्च से 17 मार्च तक किसी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है। अगर विदेश से संबंधित कार्य हो तो सावधानी से करें, परिवार में वाद विवाद से बचें और इस सप्ताह बड़े मधुरता से अपने आप को निकालें। अगर फिर भी कोई उपाय करना चाहते हैं तो मीठे वस्तु का आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप दान करें किसी मीठी वस्तु का। आगे बढ़ेंगे, कुंभ राशि के जातक, उनके क्या इस बार रुके हुए काम हो पाएंगे? जी, कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँ, 11 मार्च से 17 मार्च तक का समय
आपके लिए राहत लेकर के आएगा। नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलती दिख रही है। मंगल और बृहस्पति की गति से व्यापार में आपको उन्नति रहेगी और हर तरह के आपके व्यापार में और नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार की व्यापार में बहुत दिनों से अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा था तो आपको ऑर्डर भी मिलेगा, और आपके कोई वस्तु रुका हुआ है जिसका सेल नहीं हो रहा था तो आपके वस्तु सेल भी होगा। फिर भी अगर माँ लक्ष्मी जी की पूजा पाठ आप करते हैं तो ये सप्ताह कुंभ राशि वाले के लिए और भी अधिक अच्छा बनेगा। बिल्कुल, तो पूजा पाठ करना आपके लिए जरूरी है इस सप्ताह। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मीन राशि के जातक, उनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा मीन राशि वालों के लिए, इस सप्ताह थोड़ा समय संयम बरतने का है। मंगल और शनि के प्रभाव से आपके सहन शक्ति कमजोर होगा, तो इसलिए सहन शक्ति बढ़ेगी आपकी। नौकरी व्यवसाय अच्छा रहेगा। मंगल और गुरु के प्रभाव से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में संबंध अगर कभी खराब था तो वो संबंध बहुत अच्छा रहेगा, और अगर कोई आपके मन के अंदर में किसी भी प्रकार की बहुत दिनों से कोई काम अटका हुआ है तो मैं मीन राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा कि ये इस सप्ताह में वो काम भी आपका बनेगा। और इस सप्ताह अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो मछली को भोजन कराएं आटे की, तो ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने सारी राशियों के बारे में बताया हमको, साथ में आचार्य जी कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन मैं जाते जाते पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि किचन में नमक और हल्दी को साथ न रखें, कुछ और ऐसा उपाय जो आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? जी देखिए, अगर किसी भी प्रकार की बहुत छोटी वस्तु है अगर उसको मेरे माताएं और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा जो अगर इन चीजों का विशेष तौर पे अगर ध्यान रखते हैं तो भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन की जो रुचि है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, और शरीर में बहुत सुंदर आरोग्यता प्राप्त भी होगा, और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। और अगर ऐसी छोटी वस्तुओं को विशेष तौर पे अगर गुलबीर जी किचन के अंदर में मेरे माताओं और बहनों अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा परिवार के अंदर में, और आय के साधन, ये आचार्य जी की बात है, शास्त्री जी की बात है, ये जरूर निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ, उनके जीवन में बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति मिलेगी। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो, तभी हम सारी चीज़ों को बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और सारी चीज़ें हमारे साथ साझा करी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, बताएंगे आपकी कुंडली क्या कह रही है।